गाइस दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है आज, क्योंकि भाई आज एक घंटा मैं एक्स्ट्रा सो गया बिकॉज पूरे हफ्ते की थकान थी भाई, किसी दिन तो निकालनी थी। इट्स 12:30 राइट नाउ। अब तक मेरा वर्कआउट खत्म भी हो जाता अगर मैं टाइम से जिम गया होता। कल रात को दबा के बारिश हुई है, ठीक है, दिल्ली में तो, और अभी एकदम खतरनाक वाली धूप आ रखी है। और इट्स वेरी सैड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई अब फाइनली गर्मियाँ आ रही हैं। किसी को भी दिल्ली में गर्मियों का मौसम का इंतज़ार नहीं होता है, सर्दियों में मज़ा आ रहा था, लेकिन अब क्या करें। आज मैं जिम अकेला ही आया था क्योंकि सौरभ बैडमिंटन खेलने चला गया था और त्यागी को कुछ काम था, तो आई वॉज ऑल अलोन एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट फीलिंग इट टुडे। इवन दो मैं एक घंटा ज़्यादा सोया था अपने यूजुअल टाइम से, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी स्लीपी, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि भाई शरीर के अंदर एनर्जी है। इवन दो आई टुक वन स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट, बट आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग इट। बट द गुड थिंग इज़ दैट अगर आपने अपना वर्कआउट पहले से ही डिसाइड करा हुआ है कि भाई मैं ये सारी एक्सरसाइजेस करूँगा, इतने सेट्स करूँगा, तो यू हैव समथिंग टू लुक अप टू कि भाई ये है, ये करो फटाफट और निकलो। अभी मेरा जो है, मैंने अपने पावर लिफ्टिंग गोल्स जो थे मेरे, वो मैंने थोड़े से साइडलाइन करे हुए हैं एंड राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मसल बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी, और कह सकते हैं मैं 5 to 10 रेप रेंजेस टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब मैं पावर लिफ्टिंग स्टाइल में वर्कआउट्स कर रहा था तब मैं 3 to 5 रेप रेंजेस में कर रहा था। अभी सौरभ आया तो वर्कआउट्स थोड़े से अनप्लान भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे बाहर घूमने फिरने के प्लान बन सकते हैं, ट्रिप का प्लान बन सकता है, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ वर्कआउट मेक सेंस फॉर मी राइट नाउ। लेकिन आफ्टर दैट आई माइट स्विच बैक टू पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, आई डोंट नो, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फैशन मॉडल इन द हाउस। दिखता क्यों नहीं यार, क्यों भाई दिमाग खराब क्यों हो गया भाई? ये सब मेरे साथ मत किया गया, ठीक है, थप्पड़ मारूंगा। पहली बात तो 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, और ऊपर से नहीं, हाथ चार दिन हाथ से हाथ उठाने की बात हो रही है, 4 दिन से प्लान बना हुआ है, चांदनी वाली बात, 4 दिन से प्लान बना हुआ है, ऑलमोस्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। लेकिन 5-6 साल पहले भी मैं ही किंग था इस ग्रुप का, आज भी मैं ही किंग हूँ, मेरी वजह से प्लान बनते थे। आज भी मैंने प्लान रिवाइव करा डेड प्लान को, ठीक है। और ये पता कैंसिल क्यों कर रहे थे, बताता हूँ। सुबह ये गए थे बैडमिंटन खेलने, मैंने क्या, मैं जिम गया था, रुक जाओ, उसके बाद इन्होंने छोले भटूरे खा लिए, कह रहे भाई अब तो हमने छोले भटूरे खा लिए 12 बजे, तो हम रात को 10 बजे बाहर से नहीं खाएंगे, नौटंकी देख लो फुल। और ये बोल कौन रहा, सन्नी भैया जिनका भाई चाट पकोड़े से ही पूरा साल चलता है, वो बोल रहे हैं, बोल के पूरी बिल्डिंग का आइटनरी बता देता अपना, तो ये सीन है बिल्डिंग का, हम चोरी बटर खाए सुबह, बैडमिंटन खेला, चलते सर आगे चलते, जो हरकत तूने करी है ना आज, कौन सी हरकत? तो सन्नी भाई भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे सन्नी भैया? सबको मतलब जिंदा करता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स हम जाएंगे, वही लोग हैं, वही बंदे हैं, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स भैया काटने वाले थे, ऑलमोस्ट मैंने काटे थे। 9 बजे आने का प्लान है, सनी भाई 7 बजे, गाइस अर्जेंट नोएडा निकलना पड़ रहा है, 6 बजे कहते हैं अर्जेंट नोएडा निकलना पड़ रहा है, 8 बजे घर पे थे। हां मैं 2 घंटे में आ गए नोएडा जाके, मैं पहले का निकल गया था, आपने 7 बजे में 6 बजे मैसेज किया निकलना पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है ना, मैं तो निकल गया था, मैं मेट्रो में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेट्रो से गया जरा, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, गाड़ी में बैठ के जो वार्तालाप हर बार होता आया इतने सालों से वही हो रहा है कि भाई कहाँ जाएंगे खाने पीने, लेकिन सौरभ ने बोला है कि भाई यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट में लेके जा, तो मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गाइस प्लीज चुप करो, ब्लॉग चल रहा है, क्या करना है इनका, सौरभ भाई फन चल रहा है, ठीक है फन चल रहा है, अच्छा है भाई, मजा आ रहा है। और मैं क्या करता, सौरभ ने बेस्ट रेस्टोरेंट में लाने के लिए बोला है, तो आज मैंने जिम्मेदारी ली है, ठीक है, यहाँ का मेरे इन माय ओपिनियन बेस्ट जगह जो है मैं इन्हें लेके जाऊंगा आज, ठीक है, और ऑनेस्टली बताना, ठीक है, खाना तेरे को कैसा लगा, मजाक नहीं, ठीक है, और चिकन विकन खाएगा ना तो बढ़िया बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। सौरभ ने तो हाई बोलना है, जो सौरभ ने किया। और गाइस मैं बॉयज को लाया हुआ चिलीज में, क्योंकि इन माय ओपिनियन ये बेस्ट रेस्टोरेंट है, और सौरभ एग्री कर चुका है कि अगर उसे खाना पसंद आया तो आज वो पे करेगा सारा, ठीक है। पहली और नहीं नहीं, उसने बोला है कि पहली और आखिरी ट्रीट सौरभ की तरफ से होगी, मैंने फिर भी कंडीशन लग दी, लेकिन संदीप की फट की कंडीशन से कि भाई चाहे अगर पसंद आया तो भाई हमें देने पड़ जाएंगे। गाइस हमारी ड्रिंक आ चुकी है, संदीप आपकी ड्रिंक भी आ गई, ये आ गया भैया, क्या पाइप नहीं है, अच्छा ये सॉरी, इंडिया में पाइप बोलते हैं भाई सौरभ, इंडिया में पाइप चलता है। और योगी है, और योगी जब आता है तो अल्कोहलिक चीजें तो होती हैं, तो ये क्या है सौरभ भाई, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ड्रिंक समथिंग है, और काफ़ी दिखने में एस्थेटिक लग रही है,
और योगी एक बार टेस्ट रिव्यू कर देगा भाई प्लीज। अबे इसका नहीं है मेरी, हट जा अपनी का। अच्छा चेयर्स होता है ब्रो, सॉरी योगी यार मेरा फर्स्ट चेयर है। मेरा भी है भाई। आजा भाई, वन लाइव बेबी, सब वन लाइव बोलेंगे गाइस, वन लाइव बेबी। और गाइस ये है मिंटी मेलन ड्रिंक और मैं यहाँ पे तीसरी बार आ रहा हूँ और हर बार लेता हूँ। ये यहाँ की बेस्ट ड्रिंक है। आप चिलीज आ रहे हो तो मिंटी मेलन जरूर ट्राई करना, जरूर 100% रिकमेंडेड बाय मी। सेकंड रिकमेंडेशन मेरे एंड से, सौरभ भाई ये बेस्ट है यहाँ का, पहले बता रहा हूँ। नॉन वेज डिपर है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दी रही है, नहीं पिज्जा तो ऐसी मत बोल, पिज्जा नहीं, पिज्जा मेरा नहीं थी, नहीं पिज्जा भी सही था, सही था अच्छा था, 7.5/10 था, हाँ मतलब डिसेंट था, सही था। कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क मेरी पिज्जा की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि पिज्जा वहाँ का अव्वल दर्जे का रहता है। अच्छा, बहुत फेमस है, तो पिज्जा नहीं बोलना चाहूँगा। चल ठीक है, पिज्जा ठीक है, पिज्जा ऐसे मंगाया था हमने कि सारे शेयर कर पाए। ये तेरे को न्यूयॉर्क में मिल गया ना, ये हड्डी है, मेरे चपेट मार दी अभी, ठीक है। ये खा सबसे पहले, ये खा, मेरे को बोन नहीं चाहिए, बोन नहीं, ये खा, ये खा, ये और ये, सॉरी भाई सुन, बोन नहीं चाहिए, मेरे चपेट मार दी अभी, ठीक है, अगर तेरे को पसंद नहीं आया तो। तेरे से ज्यादा तेरा स्वाद मैं जानता हूँ, तेरे को क्या पसंद आता है, तेरे को पता सौरभ, तेरे को पता है, तेरे को पता फाड़ है, तेरे को पता फाड़ है, मजाक नहीं। गाइस हम जगह का रिव्यू ले ही रहे थे तो अपने वेजिटेरियन फ्रेंड से भी ले लेते, क्योंकि दो वेजिटेरियन भी हमारे साथ यहाँ पे, सनी भी वेजिटेरियन नंबर वन और शशांक वेजिटेरियन नंबर टू। क्या कहना चाहता है भाई? इनका ना हर रीजन ये होता है कि तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि तुम सिर्फ वेजिटेरियन खाते हो, वेजिटेरियन खाते हो, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस दे देते हैं आलू के छिलके भाई, ये फ्रेंच फ्राइज है भाई, आलू का छिलका भी नहीं छिला भाई, डायरेक्टली काटा भाई, भाई सही तो है भाई, केले को, केले को मेरा छिलका उतार खा लेता, सही तो है, तो तेरे को अच्छा लग रहा होगा, हमें थोड़ी चला, केले को छील के खाया जाता है। गढ़वालियों में एक डिश होती है चिचवाड़ी, आलू की बनती है, उसमें डेलिबरेटली आलू का छिलका छीलते नहीं है। और यार इन लोगों ऑथेंटिक चीजें थोड़ी पसंद आएंगी भाई, मैंने मॉडर्न नहीं है ना, छोटे वाले आलू आते हैं जो जिसके पकौड़े बनते हैं उसमें नहीं छिलते, वो छोटे छोटे वाले, मतलब पता है क्या इनको, क्या मैं बताता हूँ क्या सीन, हमारे घर के पीछे लगते हैं भंडारा, भंडारे के आलू होते हैं ना, छिले होते हैं भाई। मोहित लाया जगह, मोहित की तारीफें हो रही है तो मोहित को डिस करो, इनका पहले से ही एजेंडा बना हुआ है, ये 4v1 करते मेरे अगेंस्ट, ठीक है। न्यूट्रल होकर बताता हूँ, यूएस में भी 2-3 तरीके के फ्राइज होते हैं, उसमें से एक डिश होती है, हर बात पे यूएस में भी मैं बोल रहा नॉर्मल है, चार लोंडे खड़े कर दूंगा, पेल जाएंगे भी इंडिया के तेरे को, एक तो मैं साइड ले रहा हूँ। अच्छा जहाँ ले ले ले, इसमें जो फ्राइज होते हैं एक तो ऐसे होते हैं जो मैकडी वगैरह में मिलते हैं, और एक वेजेस जो होते हैं वहाँ पे, जो होते हैं पोटैटो वेजेस, हाँ उसके अंदर नहीं निकालते, हाँ ये वही है, हर चीज फ्रेंच फ्राइज नहीं होती भैया, हर चीज फ्रेंच वेजेस है, फ्रेंच वेजेस थोड़ा ऊपर उठो जीलाल से, और भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बर्गर में पैटी का टेस्ट ही नहीं आया, टमाटर प्याज का ही आ रहा है। भैया को भाई रावत बर्गर पसंद है, वो भी अच्छा होता है नो डाउट, बट वही है कि भाई लेवल अप ही नहीं करना, क्या करें, लेवल डाउन करते हैं, लेवल डाउन करते हैं। हाँ तो ये क्या है मोहित, ये तूने उल्टी क्यों पहनी है टी-शर्ट? भाई मेरे ऊपर एलिगेशन, पहली बात मैं भाई फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ इस ग्रुप का, इस ग्रुप का तो हूँ, ठीक है, मैंने ये ओवरसाइज टी-शर्ट पहनी है, पहली बात ओवरसाइज इज द ट्रेंड। इसमें क्या लिखा है, वॉश विद ओनली कोल्ड वाटर, ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, ये स्टाइल है, आपको नहीं पता मम्मी से बोलवाना, ये पैच है, ठीक है, उसमें कोट लिखी है, मोहित को शायद लगा जो पीछे होता है इसलिए होता है कि जहाँ फट जाए वहाँ रफू कर लो, जैसे ऐसे एक्स्ट्रा बटन होता है। अबे मोहित तू सीधी पहन रहा है, सीधी नहीं पहननी, ये ट्रिप मोहित को इंसल्ट करने वाली ट्रिप क्यों बनती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंसल्ट नहीं कर रहे ब्रो, हम बस बता रहे हैं कि अच्छा है, इन्फ्लुएंसर है, ये वैसे ये अलग है, वॉश कर रही हो, यहां लगा दे इस मटेरियल, और फैशन इस टाइम है, नहीं मैं ये कह रहा हूं ये इसकी जगह पे यहां लगा दे, चलो भाई ओके, झंड लाइफ, नाचोस भी अच्छे हैं, नाचोस है भाई, बर्गर भी अच्छा है, पास्ता तो पास्ता ही होता है,
ये कुछ नहीं है जो बोन वीटा है वेज अच्छा वो वहां पे बोन वीटा वहां का पास्ता पिज्जा शेक वेज नॉनवेज सुन एक सेकंड सुन 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 बर्गर सब वेज में अच्छा नहीं नहीं इन शॉर्ट वेज में होगा ना जो वेज जो खाते हैं जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन गाइस मतलब लोगों के लिए चिलीज नहीं है मतलब ये कहना चाह रहे थे हां हो सकता है कह सकते हैं उनका नाम उसका और जो नॉनवेज खाते हैं मुझे उसका नाम सिर्फ चिलीज की है चिलीज की है और जो नॉनवेज खाते हैं वो कौन सा बर्गर खाए किसी ने वही वाला बर्गर खाया मुझे सौरभ ने बर्गर खाया और सौरभ का मतलब है नहीं मोहित ने कमेंट करा उसके अगेंस्ट बोलना अभी घर जाके सबको बोलना भाई अच्छा चिलीज अच्छा लगा बट मेरे सामने इनको उल्टा बोलना भाई एक अभी आप लोगों के सामने रिव्यू डाल दूंगा वन स्टार एक और बंदा आया योगी यहाँ पे योगी योगी ने भी कुछ नहीं बोला ये खुद साला ये मेरे से ज्यादा बार ही आ चुका है यहाँ पे उसको आज रिग्रेट हो रहा है क्यों आया मैं ज्यादा बार इसको पता है कि यहाँ पे बोलेगा ना तो इसकी बेइज्जती होगी इसलिए ये स्मार्ट है बंदा ठीक है ये मतलब अपने स्टैंड नहीं ले पा रहा इसलिए मैं बाहर हो गया मैं स्टैंड ले रहा हूँ मेरी पट्टी नहीं इनसे मेरी पट्टी नहीं मैं डरता नहीं इनसे सिंपल है पटने की बात नहीं ब्रो बट मेरे को लगता है बीवाईडी ग्रेटर देन चिलीज घंटा घंटा नहीं 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 भाई बीवाईडी एनी गिवन डे चलो ना नान रोटी खा के आता है योगी तुझे क्या लगता है सही बीवाईडी या चिलीज चिलीज भाई क्या बीवाईडी अच्छा इसको तो बीवाईडी क्या जोमेटो में रेटिंग देख लो पता लग जाएगा तो हम चेक कर रहे हैं अपनी फिटनेस की 20 साल में हमारी फिटनेस कैसी हुई है इसके ऊपर बिना हाथ रखे बैठना भैया ने पता क्या किया भैया की नेचुरल हाइट यहां तक आ रही थी ठीक है यहां तक आ रही है और वॉकिंग हड्डी में लग गया भैया एक बार बार ट्राई करना इसके बाद शशांक ट्राई करेगा शशांक तू ट्राई करियो आज एक बार मोहित ले लिए उसका मोहित की बारी है ऊपर बैठने की बारी है मेरा हाथ रखा है फिटनेस चेस कर रहा है हाँ हाँ ठीक है कर रहे करिए शाम शाम तो मिल लेगा देखते हैं एंट्रेंस का करते क्या कर तो बैठिया भाई अभी तुम्हारी बारी है फिटनेस इन्फ्लुएंसर डर मत भाई वन लाइफ मोहित वन लाइफ बचपन के दिन चलो सौरभ ट्राई कर सुन ना तुझे बैठना है और बैठ के कोने में ऐसा करना वन वो बैठ गया बस सनी भैया सॉरी भैया आपने बोला था हम जब आपकी एज के होंगे हम आधे में फिट नहीं होंगे तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी एज में कर लेता था दस साल पहले बोलते थे सॉरी भैया गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं ठीक है ये पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में जो है उसकी पार्किंग है और सिर्फ हम बचे हैं सारी गाड़ियां खाली हो चुकी है आप देख सकते हो कोई नहीं बचा बस 5 लौंडे जो साले पैसिफिक मॉल में रात को 12 बजे रीले बना रहे थे ठीक है ध्यान से देख लो उनकी शक्लें और ये वो यहां से उस तरफ कर सॉरी उस तरफ धकेल दे छोड़ दे
चचा बदाम चचा बदाम। भैया उतर नहीं पा रहे, उतार दे भाई। गाइस दिल्ली में फिर से बारिश शुरू हो गई है, कल रात भी हो रही थी, आज भी हो रही है। हमने आज क्रिकेट और हाँ क्रिकेट खेलना था, क्रिकेट का प्लान कैंसिल हो गया और अर्जुन निकल गए अभी रात को धर्मशाला में मैच देखने के लिए, ठीक है। और हिमाचल में भी हो रही है बारिश, ठीक है। तो बट मैं प्रेक हो रही है फोरकास्ट में देख रहा था, हो रही थी बारिश। तो भाई मैं दुआ करूंगा कि वो आराम से मैच देख पाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि भाई इतना दबा के खाया है, पूरा पेट भर गया गलत वाला। और अभी क्या है कि थोड़ा लेट हो गया, हम उसके बाद बाहर घूमे, चिल किया, बातें बातें करी, गाड़ी में बैठे, अंधेरे रास्तों में गए एंड ऑल दैट। और अभी लेट हो गया तो मैं सोऊंगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है। और डेली व्लॉगिंग जिसमें कर रहा हूँ उसमें इशू पता है क्या है, डेली व्लॉग करना इफ़ यू आर गोइंग आउट एवरी डे इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब अगर मेरी लाइफ हैपनिंग चल रही है, आजकल चल रही है, तो आई कैन व्लॉग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी इज़ कि उस व्लॉग को जिस दिन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस दिन एडिट भी करना है। तो अभी मेरे को एडिट अगर मैंने सपोज अभी नहीं किया देन आई हैव टू एडिट टुमारो। अगर कल मैं फिर मैं एडिट करूँगा तो कल फिर मैं व्लॉग पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा जो मुझे कल करना होगा अगर। तो भाई जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं भाई भाई हैट्स ऑफ भाई, इट्स नॉट ईजी। आपको सारी चीज़ें फिर साइड में रखनी पड़ती है, बट मैं नहीं रख सकता क्योंकि भाई आई हैव अदर वर्क एज वेल। और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे गंदी वाली नींद आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बेस्ट।